लड्डू के लिए हमने एक कप बेसन लिया, एक कप चीनी, एक तेल, इलायची, ये मेवा है, नींबू है। तो हम बनाएंगे बूंदी के लड्डू। एक कलर है, हमने लिया एक छोटा सा बर्तन, इसमें हम एक बेसन को डालेंगे और इसको घोल बनाएंगे, घोल बूंदी का। तो ये घोल बनाते हुए ध्यान रखना कि इसमें रवा ना ठहरे, मतलब पूरी तरह से मिल जाए। बेसन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे बूंदी बनाएंगे, तो हम इसमें लगाएंगे फॉल, जैसे ये बड़े छेद हैं तो छोटे छोटे छेद करने के लिए हम इसको तैयार करेंगे। ऐसे आप बनाएं तो वैसे लगा लें, जैसे छोटी बनाना है बड़ी बनाना है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने पहले पन्नी को लगाया, अब हम इसमें पेन से छेद करते हैं छोटे छोटे, जैसे छोटी छोटी बूंदी आए। हमने इसमें कर लिए छेद, तो हमारी ये तैयार हो चुकी है। और एक दो और रह गए तो और करते हैं। अब इसमें डालेंगे हम तेल। तो यहाँ पे लिया मैंने रिफाइंड तेल, इसमें डाला। अब हम इसमें गरम तेल हमारा हो चुका, अब हम इसमें बूंदी डालते हैं, थोड़ी थोड़ी बनाते हैं इसमें। तो हमारी बूंदी बन के तैयार होने लगी है। हमारी बूंदी सारी तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह की बूंदी आप बना सकते हैं। हमने बूंदी पूरी तैयार कर ली है बना के। अब हम इसमें डालेंगे चीनी एक कप, जिस चीनी से हमने बेसन लिया था उसी छोटे कप से हमने डाली चीनी। अब हम इसमें एक कप पानी ऐड करेंगे। जब तक इसको घुमाएंगे जब तक ये पक ना जाए, इसमें तार ना टूटने लगे, जब तक हम पकाएंगे इसे चिपचिपी होने लगे, हाथ में लेने से चिपक तार आने लगे, मतलब ऐसा। हम इलायची डाली, हम इसमें कलेक्ट करेंगे। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो रही है। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, इस हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। तो बूंदी हमने डाल दी, अब आप बूंदी जब तक घुमा जब तक इसका सीरा बिल्कुल इसमें पहुँच ना जाए, पूरी तरह से इसमें सीरा पहुँच जाए, इसके बाद इसको उतार कर ठंडा करें। मेरी बूंदी पूरी सीरा को पहुँच रही है। अब मेवा डालते, थोड़ी सी मेवा डाली इसमें हमने। तो पूरी चाशनी बूंदी में भर चुकी है, सीरा पहुँच चुका है इसमें। अब हम इसको थोड़े 1 मिनट और घुमाएंगे, फिर इसके बाद इसको उतारते हैं। बूंदी हमारी बन के तैयार हो चुकी लड्डू लायक।
अब हम इसको एक थाली में डाल के ठंडा करेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, जैसे वो बिल्कुल ठंडे होने से लड्डू नहीं बनते, थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहे, गर्म रहे, इससे कि लड्डू बन के तैयार हो जाए। हमारे लड्डू बन के तैयार होने लगे, देखो लड्डू हम बना रहे हैं इस तरह से। घी लड्डू हमारे इस तरह के बन रहे हैं, इसी तरह से आप भी बनाइए, बढ़िया लड्डू बन के तैयार हो चुका है मेरा। आप भी बनाएं इसी तरह से, ये रक्षाबंधन की मिठाई है। दुकान से अच्छा घर में बनाए अपनी मिठाई, मोल लेने से तो दुकान में कई तरह प्रकार की मिठाई होती है दुकान में, मक्खियन वाली, मच्छर वाली, ये अपनी शुद्ध मिठाई अपने घर में बनाना अच्छा होता है। ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, तो आपको लड्डू पसंद आए हों मेरे बूंदी के तो लाइक करना, कमेंट करना, तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फी, खसखस बर्फी, देखना मेरी। तो हमने 2 चम्मच तेल डाला इसमें, इसके बाद 1 कप सूजी। अब हम इसको भूंजेंगे, जब तक भूंजेंगे इसका कलर ना आ जाए जब तक हम इसको भूंजेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ। तो हमारी सूजी कलर देने लगी, घर में मिठाई बनाना अच्छा होता बच्चों के लिए। मूल की मिठाई तो कोई होटल में उघारी होती है, कोई होटल में फ्रिज में होती है, कोई खुली रखता है, तो उससे अच्छा है कि अपने घर में बनाए। तो हमारी सूजी कलर दे चुकी है, भुन चुकी है, अब हम इसको हटाएंगे गैस से। देखिए कितनी अच्छी भुन चुकी है जी। अब हम इसको हटाएँगे, अब जिस कप से हमने सूजी डाली थी उसी कप से हम चीनी 1 कप डालेंगे, उससे थोड़ा कम हम पानी डालेंगे इसमें, इससे जल्दी चाशनी तैयार हो जाए। तो हम इसको घुमाएंगे जब तक ये चिपचिपी ना बने, तब तक इसको घुमाएंगे। तो हमारी चाशनी चिपचिपी होने लगी, थोड़ी थोड़ी चाशनी बन के तैयार हो चुकी। अब हम रखेंगे सूजी, तो इसमें मैंने डाली 2 चम्मच मलाई। हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये मिक्स ना हो जाए। मलाई मिल चुकी है इसमें पूरी तरह से, तरह से आप मिलाएं से। अब जो चाशनी बना के रखी थी उसे हम थोड़े थोड़े इसमें मिलाएंगे, जिससे ये सूजी अच्छे से फूल जाए रवा इसका। तो आप भी ऐसे बनाएं से। तो हमारी सूजी तैयार हो रही है, इसको अच्छे से मिक्स घुमाते रहें इसमें चम्मच, क्योंकि इसमें चिपके नहीं और इसमें दाना ना पड़े, इसे घुमाना बहुत ज़रूरी है। तो है हम अच्छे से घुमाएंगे, इसे घुमाएंगे कि इसमें दाना ना पड़े और ये कढ़ाई में चिपके नहीं। तो हमारी सूजी समटन लगी बनने के बाद, देखो पूरी सीरा में। अब हम डालेंगे खोआ जो हमने दूध का घर में बनाया, तो इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, 2 बार में इसको मिलाएँगे।
तो हमारी सूजी भून के तैयार हो चुकी है। टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा, खाने में मस्त लगेगी, बच्चे बहुत खुशी से खाने वाले हैं इसे। हमारी सूजी वाली बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। हम अपने एक प्लेट में इसको रखेंगे, ये ठंडी हो जाए। तो हमने इसमें प्लेट में ठंडी होने के लिए रख दी इसको। अब हम इसमें थोड़ी मेवा काजू बादाम डालेंगे जिससे इसका खूबसूरत लगे। तो ये ठंडी हो 5 मिनट के बाद इसको काट के दिखाएंगे। बर्फी बन के रेडी हो चुकी है, अब इसको काटने की बारी है। तो हम इसको काटेंगे, बढ़िया पीस बनाएंगे। बर्फी सूजी की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा बर्फी का तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं विद्या ब्लॉक में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोहन थाल हलवाई की जैसी। तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो में, देखते रहें कि हम कैसे बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ तो 2 कप लिया बेसन, और बेसन में 3 चम्मच घी डाला, और 3 चम्मच इसमें दूध डाला। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे जैसे सूजी का रवा होता छोटा वाला, उसी तरह से इसका रबीला बनाएंगे। इसको मिलेंगे अच्छे से तो इसमें रवा आ जाएगा। तो हम इसको 2 मिनट इसको मलेंगे हाथ से, ऐसे मिलेंगे जैसे हम खस्ता बनाते उसी तरह से इसका बनाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए हमारा ये बेसन मुट्ठी में बंधने लगा, मिल चुका है, बढ़िया दाना बन गया इसमें, महीन महीन दाना बन गया इसमें। तो यहाँ पे हम बेसन अच्छे से मिलाएंगे, और बेसन में जब तक रवा अच्छा नहीं बनेगा जब तक हम इसको मिलाते रहेंगे। तो हमारा यहाँ बेसन रबीला होने लगा, मुट्ठी में बेसन बंधने लगा। मतलब हमने लिया है मिक्सी का जाल, तो हम इसमें डालेंगे इसको, और इसको पीसेंगे मिक्सी से, रुक रुक के पीसेंगे जब तक इसमें 3 बार थोड़े थोड़े पीसेंगे कि जिससे इसमें रवा मस्त बन जाए। तो देखिए मेरे मिक्सी से बेसन पीस लिया हमने, और इसमें रवा आ गया, बढ़िया महीन छोटा छोटा रवा बन के तैयार हो गया। हमारा बेसन रबीला हो चुका है, दरदरा पीसा, रबीला पीसा। तो अब हम इसमें डालेंगे घी, कढ़ाई में 3 चम्मच हमने घी लिया। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, हम इसको चलाएंगे जब तक ये अच्छा कलर आए इसमें, तब तक हम इसको 20-25 मिनट में इसमें भूंजेंगे, इसे अच्छा कलर ना आ जाए, जैसे केसरिया कलर होता है उस तरह से इसका कलर हो जाए, तब तक हम इसको चलाएंगे। तो हमारा बेसन भूंज कर तैयार हो रहा है, धीरे धीरे कलर आ रहा है एकदम। दाल बन के मस्त तैयार हुआ, तो इसलिए बड़ी सावधानी से बनाएं आप लोग इसे, इसके बनाने की विधि देखते रहें, नहीं तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता तो ये बिगड़ जाता है बनाने में, बड़ी
मेहनत लगती है, तो आप भी इसको बनाते रहें, बने रहें मेरे साथ वीडियो में, देखते रहें कि कैसे महान थाल तैयार करते हैं। तो हमारा बेसन भुंज रहा है, यहाँ टाइम तो लगता है भुंजने में, तो हम यहाँ बेसन चलाएंगे जब तक मध्यम गैस में इसको भूजेंगे, जिससे जी कढ़ाई में लगे ना, जले ना, इससे मध्यम गैस में इसको भूजते रहें। इस तरह से चलाएं इसे, तो जैसे हम भूज रहे हैं इसे, तो हमारा बेसन भूज रहा है मध्यम तेज। आपके पास दूध नहीं है तो मिल्क दूध डाल सकते बना के। तो यहाँ दूध डालने से क्या है कि इसमें रवा अच्छे से बन रहा है और मेरा बेसन जो हमने भूंजा वो समेटने लगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ भूंज के तैयार करेंगे और पूरी तरह से दूध मिलाएंगे इसे। तो देखिए मेरा बेसन इस तरह से मिल के तैयार हो चुका, और घुमाएंगे 2 मिनट। दूध डालने से इसमें ऐसा समझने लगता है जी, बढ़िया रवा बन जाता है। तो हमारा बेसन में रबीला एकदम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूखा दूध। जैसे सूखा दूध नहीं है आपके पास, मेवा नहीं है, खोआ नहीं है, तो आप सूखा दूध मिला सकते। तो हमने इसमें सूखा दूध इस्तेमाल किया। तो हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक ये हमारा मिल नहीं जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें बेसन में। जब तक हम इसको चम्मच से घुमाएंगे, हमारा दूध मिक्स हो चुका है, और जो रबीला थोड़ा रह गया उसमें तो और मिलाएंगे अच्छे से। तो हमारा दूध अच्छे से मिल चुका है इसमें, देखिए कहीं आपका कोई दाना दूध का ना रह पाए, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमने बर्तन रखा है, तो जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से हम चीनी लेंगे। 1 कप हमने चीनी डाली और उससे थोड़ा पानी डाल दिया इसमें। हम इसको चलाएंगे जिससे मेरी चाशनी तैयार हो सके। तो आप इसमें कलर डालेंगे, फ्रूट कलर डालेंगे। आपके पास कलर नहीं है तो आप केसर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने केसर नहीं डाला। यहाँ इसमें इलायची हमने डाल दी 1 चम्मच। तो हम इसमें हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी। अब हमने इसमें कलर मिक्स किया, थोड़ी घुमाएंगे 2 मिनट और इसको। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है, हमने इसमें कलर भी अच्छा आ गया और हमारी इलायची जो हमने डाली थी वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी। आप भी इसी तरह से बनाएं। और हम चाशनी तैयार हो चुकी, जब तक चाशनी चिपचिपी नहीं, एक तार चाशनी में आने लगे कि एक तार टूटने लगा, तो चाशनी वहीं पे बंद कर दें। तो मेरा हाथ में हमने चीनी ली, देखो मेरे एक तार बन के तैयार हो चुका है, चिपचिपी हो गई। एक तार से ज़्यादा नहीं, टाइट नहीं होना चाहिए चाशनी, क्योंकि फिर बेसन में मिलाना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए एक ही तार उसमें होना चाहिए। हमने चाशनी बेसन को में मिलाया और गैस बिल्कुल बंद कर दें, कढ़ाई और नीचे उतार कर फिर उसमें हमने ये चाशनी मिलाई। तो आप भी इसी तरह से मिलाएं। तो मेरी गैस इस समय बंद है और हम गर्म चाशनी इसमें डाल रहे हैं। तो मेरा मोहन थाली का पेस्ट बन के तैयार हो रहा है। थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालें जिससे पेस्ट अच्छे से बनता जाए। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया है, पूरा बेसन मेरा कढ़ाई में समेट चुका है। अब भी इसी तरह से बनाएं और बच्चों के लिए बहुत मस्त मिठाई है, हलवाई जैसी मिठाई है। लेकिन एक ध्यान रखें आप इसमें कि ज़्यादा ये टाइट नहीं हो पाए, नहीं तो थाली में जमाना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे हम डाल रहे थोड़ी थोड़ी चाशनी, ऐसे आप भी थोड़ी थोड़ी चाशनी मिलाएं इसमें, जैसे उतना कि जो बेसन हमारा मिक्स हो सके उसमें चाशनी में, उसी तरह से आप मिलाएं। तो हमारा बेसन चाशनी में पूरा मिक्स हो चुका है। हम इसको 2 मिनट और घुमाएंगे चम्मच से, इसलिए जो थोड़ा और मिल जाए। अब हमने थाली ली, थाली में हमने घी लगाया, क्योंकि इसमें मेरे पास पेपर नहीं था जो डालते हैं थाली में, तो हमने इसी वजह से हमने इसमें घी लगाया। तो अब इसको हम जमाएंगे और हम इसको रखेंगे जब इतना टाइम लग जाए इसमें, 1 घंटा या 10 मिनट जितनी देर में दम जम जाए। हम थाल बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मेवा जो है काजू बादाम
पिस्ता जो भी आप डाल सकते हैं वो डालिए इसमें। तो हमने यहाँ पे काजू लिया, बादाम लिया, काट कर डाल दिया इसमें। तो आपको हमारा मोहन थाल कैसा लगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करना और कमेंट करना। तो हमारा मोहन थाल बन के तैयार हो चुका, हमने इसमें मेवा डाल दिया, बादाम और काजू, तो जमा दिया। अब हम इसको ठंडा करेंगे, 20 मिनट लगेंगे तो ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसके फीस काटते बताते हैं आपको। तो मेरा मोहन थाल बन के तैयार हो चुका है, हमने इसमें काजू जम जाएगी, ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो कट नहीं पाएगी, तो इसलिए हम पहले से इसमें कट लगा देंगे। तो आपको मेरी मोहन थाल की रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आप मुझे बताना कि आप कैसे बनाते हैं, और कमेंट करना मुझे। तो हमारी ये कट कर दिए हमने इसमें चक्कू से, हम इसको रखेंगे ये ठंडा हो जाएगा 20 मिनट में। तो हमारी मोहन थाल बन के तैयार हो चुकी है, हमने इसके फीस काटे हैं तो हमारी बढ़िया फीस निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं मस्त जमी है। तो आप बताएं मेरा मोहन थाल कैसा लगा आपको, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।